शत्रु यदि बलवान है तो उसे कैसे परास्त करें। एक कौवा और कौवी की दुख भरी कहानी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि इस वीडियो में बताई गई बातों को आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो का टाइटल है शत्रु को कैसे परास्त करें। मित्रों, किसी वन में एक स्थान पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके ऊपर एक कौवा और कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों के बीच बड़ा प्रेम था और आनंद से वे दोनों बरगद पर निवास करते थे। उसी बरगद पर उनके अंडे रखे हुए थे। सब कुछ तो ठीक था, परंतु वे एक बात से बड़े दुखी थे। जब भी वे अंडे देते थे तो कुछ दिनों के बाद उनके अंडे घोंसले में से कोई खा जाता था। इसी बात को लेकर उनका मन बड़ा उदास रहता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इस बार उन्होंने फिर अंडे दिए और वे अच्छी तरह से उन अंडों की देखभाल करने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि बरगद की कोटर में से एक काला सांप निकला और सीधे उनके घोंसले में पहुंच गया। कौवा और कौवी की आंखों के सामने ही वो उनके अंडे चट कर गया और फिर जाकर उसी बरगद की जड़ में घुस गया। कहते हैं, औलाद का दुख आखिर किसे नहीं होता। अपनी संतान हर किसी को प्रिय होती है। कौवा और कौवी को आज अपने शत्रु का पता चल चुका था, परंतु शत्रु बलवान था, इसलिए कुछ कर भी नहीं पाए। कौवा ने कौवी से कहा, हे प्रिय, हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन में ये दुख हमेशा बना रहेगा। कहते हैं, अत्यंत बोलने से अपमान करते हैं, अत्यंत दान देने से दरिद्रता होती है, अत्यंत लोभ करने से तिरस्कार होता है, अत्यंत आग्रह से मनुष्य की मूर्खता प्रकट होती है और अत्यंत मृदुता से लोग उसे गिनते नहीं है। अर्थात सीधे स्वभाव वाले व्यक्ति को लोग कुछ नहीं समझते। कौवी बोली, तो महाराज हम कर भी क्या सकते हैं, इसी तरह अपनी संतान का विनाश कब तक देखेंगे। कौवा बोला, भीरू घबराओ नहीं, शत्रु का तो पता चल ही गया है। बड़े लोगों ने पहले ही कहा है, जब तक शत्रु का बल अपने से अधिक रहे तब तक उसे कंधे पर रखें, अर्थात उसका आदर करें, और जब समझ लें कि वो निर्बल हो गया है तब उसे घड़े के समान पत्थर पर पटक कर नष्ट कर दें। कौवी बोली, महाराज तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने शत्रु को खत्म करने के लिए कुछ सोचना ही होगा। कहते हैं, धनवानों को पुत्र ना होना, दरिद्रों को भूख, स्त्रियों को नपुंसक पति का मिलना, प्रिय वस्तुओं का अलग हो जाना, ये सब बातें सुख के लिए नहीं होती, अर्थात दुख देने वाली ही होती हैं। कौवी की व्याकुलता देखकर कौवा एक दिन अपने मित्र गीदड़ के पास में गया, जो उसी वन के पास वाले वन में रहता था। कौवा और कौवी को उदास देखकर गीदड़ ने पूछा, मित्र तुम दोनों इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है। कौवे ने रोते हुए कहा, मित्र एक कहावत है, जिसकी खेती नदी के किनारे हो, स्त्री पर पुरुष गामनी हो और सर्पयुक्त घर में जिसका निवास हो, वो व्यक्ति सुख से कैसे रह सकता है। कहते हैं, सर्पयुक्त घर में निवास करना मृत्यु के ही समान होता है। जिस गांव के निकट सर्प रहता हो, उस गांव के निवासियों के लिए भी सदा प्राणों का भय बना रहता है। हे मित्र, मैं जिस बरगद पर रहता हूं उसी की जड़ में एक भयंकर सर्प रहता है, जो आए दिन हमारे अंडों और बच्चों को खाता रहता है। मैं उसे कैसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकता हूं, ये मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मुझसे बहुत बलवान है। मित्रों, कौवा की दुख भरी कहानी गीदड़ ने बड़े धैर्य से सुनी। फिर बोला, मित्र तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, मेरा दिमाग भी शैतान के दिमाग से कम नहीं है, इसलिए तुम घबराओ नहीं, वो लोभी सर्प बिना उपाय के नहीं मारा जा सकता। कहते हैं, जो काम अस्त्र बल से नहीं हो सकता वो बुद्धि बल से किया जा सकता है। उपाय से शत्रु को जितनी सरलता से पराजित किया जा सकता है, उतनी सरलता से तो हथियार से भी नहीं मार सकते। कौवा ने पूछा, मित्र शीघ्र मुझे उसे मारने का उपाय बताइए। गीदड़ बोला, भाई तुम लोग किसी राजा की राजधानी में जाओ, वहां से एक सोने का हार चुरा लाओ और उसे सांप के बिल के पास रख दो। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलेगा
तो वो हार उसके गले में फंस जाएगा। फिर क्या, सांप को मरा हुआ समझो। अब तो गीदड़ के द्वारा युक्ति सुझाने पर कौवा और कौवी उड़ते उड़ते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक राजा की रानी नदी में स्नान कर रही थी। बस फिर क्या था, कौवा और कौवी ने रानी का हार चुरा लिया और पंजों में दबाकर उड़ चले। उधर रानी ने देखा कि उसका हार एक कौवा उठा ले गया तो वो शोर मचाने लगी। रानी का शोर सुनकर राजा के सिपाही कौओं के पीछे पीछे भागने लगे। कौवा ने वो हार ले जाकर उसी सर्प के गड्ढे में डाल दिया। अब तो पीछा करते करते आए राजा के सैनिक एकदम से बरगद पर चढ़ गए और उस हार को ढूंढने लगे। ढूंढने पर उन्हें मिला कि वही सर्प गड्ढे से निकलकर फन फैलाए बैठा है। अब तो रानी के सिपाहियों ने सबने मिलकर उस सर्प को मार डाला और हार लेकर चले गए। कौवा कौवी भी अपने उस भयंकर शत्रु के मारे जाने पर बहुत खुश हुए। इसीलिए कहते हैं, बलवान से बुद्धिमान बड़ा होता है, बुद्धिमानों के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। मित्रों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।